खड़े चंडीगढ़ के लिए अपनी यहाँ सी। चलिए आपको लेके चलता हूँ आज चंडीगढ़। तो आसी से निकल लिए हैं, मेरे साथ बने रहिए। पहुंच गए भाई चंडीगढ़। ये अपना जीरकपुर, अंकल जैक। तो लो, चेहरा भी दिखाना जरूरी है, खुद भी लोग बनाते हुए शर्म बहुत आती है। चौक आ गया भाई, अब उतरेंगे किसान भवन में। पहुंच गए भाई चंडीगढ़, और सामने किसान भवन पंजाबी में। हो, बहुत लंबा सफ़र है सीटीयू में। 1:30 बजे चलती है, आप देख लो 7:30 होने वाले हैं। आगे चंडीगढ़ सेक्टर 43 के पास अब जा रहे हैं रूम पे। रूम कर रखा है मैंने 42 में, जाके मिलते हैं। यहाँ पे रूम लिए, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। साला वो ये दिखाता भी नहीं है। ये है ओयो का स्पोर्ट ऑन, 474 रुपये। ऑनलाइन ऑफलाइन 619। टीवी नहीं चलेगा। सोना ही है बस ये। God, please, no! 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 चल रहा है बहुत है, मच्छर ना हो सही है, साफ सुथरा वैसे तो। और देखते हैं, पैसों के होटलों में ऐसे होता है। अब ये जो ये स्पीड मेंटेन करने का होता है फैन का, ये काम ही नहीं कर रहा, और ये फुल तेज चल रहा है पूरी रात। और बाहर कंस्ट्रक्शन, लेकिन अब बंद हो जाएगा वो तो थोड़ी देर में। ये स्पीड मेंटेन नहीं हो रही। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। चलो इसी में सोना पड़ेगा। मीठा नींबू का अचार और देसी घी में रोटी। ये अपनी तंदूरी निकाल रखी है मम्मी, फिर भी मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया क्योंकि बाहर आते मेरे हाथ ज़्यादा चलने लग जाते हैं। अब पनीर भुजी आ रही है, 2 मिसी रोटी आ रही है, 1 कप चाय आ रही है। ऑफर में फंस गई 60%। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रात का नज़ारा खजेरी सेक्टर 52। बज गए 12, चाय की खोज में या कॉफ़ी की खोज में। सारे होटल हैं यहाँ पे। गलियाँ खजेरी की, रात के 12 बज रहे हैं। कपल्स तो घूम रहे हैं, चंडीगढ़ का ये फ़ायदा है सेफ्टी पर्पज से। मेरे जैसा छड़ा अकेला ही है, मज़े ले रहा है। मज़े तो क्या है, टाइम पास हो रहा है। देखते हैं कोई चाय कॉफ़ी। यहाँ पे ढाबे बता रहे भाई साहब, डब्बे तो बंद है भाई। खोज समाप्त करते हैं, कहीं पे भी जाले सारी जगह लठ बज रहे हैं। पीछे भी लड़ाई माच रही थी, नॉन वेज वाली थी चाय। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब नॉन वेज भी बना रहा था साथ में, तो मन नहीं किया पीने का। बैक टू रूम। पैदल चलते चलते 1.25 किलोमीटर आ गया था आगे। ठीक है यार, मेन फ़ायदा पता क्या चंडीगढ़ का, हर जगह पार्क है। देखो मान लिया यहाँ पे कल्चर थोड़ा सा अलग है, बट सच में पोल्यूशन लग नहीं रहा। व्हीकल बहुत ज़्यादा है लेकिन लग नहीं रहा, पोल्यूशन फील नहीं हो रहा। जैसे गुड़गांव दिल्ली में बहुत ज़्यादा फील होता है। मैंने 5-5, 4-4 बजे रनिंग की हुई है वहाँ पे भाई, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और यहाँ पे 12 बज रहे रात के, तो भी पोल्यूशन फील नहीं हो रहा। और व्हीकल
यहाँ पे 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, नॉर्मली अपने दिन में होते हैं, अभी कल इतने ही रात को है। होटल सारे होटल हैं यार यहाँ पे। भाई ने टॉवल भी नया निकाल के दिया है, टैग भी मरना तोड़ना पड़ेगा। सो जाते हैं, मिलते हैं सुबह, रात के हो गए 12:15। घूम भी लिए, फिर भी लिए, बस एक कमी रहेगी, कॉफ़ी नहीं मिली, या चाय भी लगा लो। सूर्यदेव के दर्शन, राम राम सपना, गुड मॉर्निंग। 6:30 बज गए भाई, उठ गया हूँ मैं। ये है चंडीगढ़ के पार्क और पार्किंग, सुनने पड़े हैं यार यहाँ पे तो सारा कुछ ही। कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे तो, पार्क बना के गिर दिए। उठ गए भाई, देखते हैं कोई चाय अच्छी सी मिल जाए तो पी ले। बहुत पीसफुल मॉर्निंग है, शोर शराबा नहीं है, बड़े बड़े पार्क हैं खेलने के लिए। अपने गांवों में इतने बड़े बड़े पार्क मिल जाए, वह इस तरफ लेडीज होगी, उस तरफ बच्चे और जेंट्स होंगे। सड़कें इतनी साफ हैं, थोड़ी बहुत टूटी फूटी हैं बट साफ हैं, पोल्यूशन नहीं है, बहुत कुछ है यार। कईयों के लिए ड्रीम सिटी है चंडीगढ़, और अभी तो मैं सेक्टर के आउटर हूँ। ये वो खजेरी पूरा, यहाँ पे सारे होटल्स हैं, सेक्टर के बीच में पड़ता है ये। सूर्यदेव चमक रहे हैं पूरे। ब्रेकफास्ट, ये है पोहा और वो है मिक्स परांठा, तो नियर बाय रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लिया मैंने स्विगी से, डिस्काउंट तो लेना पड़ता है ना। सारी चीज़ें यहाँ पूरा वेजिटेबल है, इसमें ब्रोकली है, बंद गोभी है, सॉरी फूल गोभी है, बीन्स है, मटर है, गाजर है, कई चीज़ें हैं, पीनट्स हैं, मज़े आ गए। ये है 41 की मार्केट, गर्मी हो रही है भाई, 1 बज गया दिन का। ओहो, होली की शुरुआत हो रही है यहाँ पे तो। 41D, रंगों की खुशबू आ रही है। 41 का चर्च ऑफ गॉड, चर्च है, कुछ भी हो यार चंडीगढ़ में हर सेक्टर साफ बहुत है। इनकी ये छोटी छोटी मार्केट हैं, ये थोड़ी सी होंगी गंदी बट ऑल ओवर बिल्कुल सही नेचर है, हरियाली बहुत है। चंडीगढ़ बस स्टैंड सेक्टर 17 के, ये है 17 बस स्टैंड। एक बात तो है यार, खुद के पर्सनल काम से आते हैं ना तो एक्सप्लोर कुछ नहीं कर पाते, ये बस स्टैंड रूम और ये ही रह जाता है, बस पूरा दिन काम में चला जाता है। अब जाके चढ़ जाओ अपनी अपनी बस में, कोई मजा थोड़ी है, जबरदस्ती हो रही है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
देखते हैं अब हंसी की लगी हुई है क्या नहीं। जय श्री राम। सीटी लगी हुई है लेकिन हंसी की नहीं है। वो थोड़ा वेट मिल जाए तो बढ़िया है, कुछ खा पी लेंगे। 17 का बस स्टैंड है ये। ये अपना रोह है, रोहतक, हिसार, जींद, करनाल, ऊपर कमरे भी हैं। वाह भाई, हर बार बस यहीं पे रुकेगी, केतल की तरफ से आएगी तो 15 मिनट रुकती है। यो है जींद का बस स्टैंड भाई, नया बनाया जो बड़ा ही बना दिया। कंटेंट नहीं है लेकिन फिर भी डाल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट होगा। अपना सी बस स्टैंड आगे वापिस। हाँ क्यों गया पागल हो जाएगी तू देख के, इसी 2 दिन घुमाया को नहीं होगा रात ना किसी ने। रोक्सी रुक जा। हाँ, चल कपड़े चेंज कर लो फिर मिलता हूँ। गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।